सुनती है, दिवाली आने वाली है, घर की साफ सफाई कर देना। इस बार घर की सफाई आप कर दो, मैं आपकी पूजा करूंगी। कर दो प्लीज बिट्टू के पापा। ओ मेरे बिट्टू के पापा, आप कितने अच्छे हो, इस बार पूरे घर की सफाई आप करोगे। मेरे स्वामी बिट्टू के पापा अभी पूरा घर का सामान इकट्ठा करके झाड़ू करेंगे, पोछा करेंगे, घर को ऐसे चमका देंगे, ऐसा लगेगा जैसे जीभ से चाट चाट कर साफ किया है। अरे चुप, बंद कर अपनी पूजा पाठ, हट यहाँ से। सबके पति कितने अच्छे होते हैं, घर का काम करते हैं, अपनी पत्नी को प्यार करते हैं, ये तो बस ऑर्डर देते रहते हैं, ये कर वो कर, झाड़ू कर, पोछा कर, खाना बना। अब दिवाली आ गई है, दिवाली में पूरा घर की सफाई कर, खुद नहीं कर सकते। ओ माँ, मैं परेशान हो गई हूँ, ये 5 बच्चों को लेकर मैं अब जाऊँ कहाँ? चुप, दिमाग ठीक है तेरा, मैं खुद कर लूंगा घर की सफाई। परेशान कर दिया इस औरत ने। पापा, इस दिवाली मेरे लिए इतने खतरनाक रॉकेट, बम, पटाखे, फुलझड़ी, ऐसी चीजें खरीदना जब मैं उनको जलाऊं, भड़ाम भड़बड़ 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 खड़ा भू भा ऐसी आवाज आए, सब लोग देखते रह जाएं। मैं तो कहता हूँ देखना क्या, सबके कान ही फूट जाएं। और हाँ, रॉकेट तो ऐसे ऐसे खरीदना जब मैं उनको जलाऊं, दूसरों के घर के अंदर घुसकर भड़ाम फटे। अरे चुप हो जा, जैसी माँ वैसा बेटा, किसी के कान फोड़, किसी के घर में रॉकेट फोड़, पढ़ना लिखना मत, यही सब करना, थोड़ा दिमाग पढ़ाई में लगा लिया कर। ए? मामा जी आए हैं, आओ आओ आओ। मेरा भाई आया है, मेरा भाई, मेरी बहना। जीजा जी नमस्ते, जीजा जी नमस्ते। क्या हुआ? मेरे घर से कोई आता है तो आपका मुंह लटक जाता है, खुशी तो कभी होती ही नहीं है। हट यहाँ से, भाई हो गया क्या हो गया? जीजा जी नमस्ते। क्या नमस्ते, हट, कितनी बार बोलेगा? मेरी बहना, मेरा भाई, मेरी बहना, मेरा प्यारा प्यारा भाई, मेरी बहना, मेरे प्यारे मामा, मेरे भांजे, मेरे प्यारे मामा, मेरे प्यारे प्यारे भांजे, मेरे मामा, मेरे प्यारे प्यारे मामा, मेरे प्यारे प्यारे भांजे। हो गया, जब से आया है मेरे प्यारे भांजे, मेरी प्यारी माँ, मेरा प्यारा ये, मेरा प्यारा वो, यही सब करना है तो बाहर निकलो, यहाँ पर हल्ला गुल्ला मत करो। इनको मेरे घर वालों से पता नहीं किस बात की चिढ़ है। मामा जी, इस दिवाली मेरे लिए क्या लाए हो? मेरे भांजे, मैं इस दिवाली तेरे लिए बम पटाखे लेके आया हूँ, ये ले। मेरे मामा मेरे लिए बम पटाखे लेके आए हैं। मामा, ये रॉकेट किसका है? ये रॉकेट मैं अपने लिए लेके आया हूँ, दिवाली में तू बम पटाखे जलाना, मैं रॉकेट जलाऊंगा। ये रॉकेट ऐसा वैसा रॉकेट नहीं है, इस रॉकेट को इस घर में जलाऊंगा तो ये सीधा उड़कर 100 किलोमीटर दूर मेरे घर में जाकर गिरेगा, इतना खतरनाक रॉकेट है ये। ये छोड़, तू ये बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? आप कौन, आपको पहचाना नहीं। अच्छा बेटा, पढ़ाई का नाम लिया तो मेरे को भूल गया। बेटा मैं तेरा मामा हूँ, मामा। ला बम पटाखे वापस कर, कर जल्दी कर। अरे मामा जी, आप तो गुस्सा हो गए। गुस्सा मत करो, मुझे कोई मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मेरे प्यारे भाई, बातचीत तो होती रहेगी, चल बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ बहना, जा एक कड़क चाय बना दे। बिट्टू के पापा, दुकान से बिस्कुट लेके आओ, मेरा भाई चाय के साथ बिस्कुट खा लेगा। क्यों, बिना बिस्कुट के चाय पी नहीं जाती? नौकर हूँ मैं इसका, बिस्कुट ला। बहना रहने दे, जीजा जी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर मेरा पेट भर गया, अब चाय पीने का मन नहीं है। हाँ तो मत पी, तेरे कोई हाथ जोड़ रहा है कि पीले 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 चाय पीले। बिट्टू के पापा, हर टाइम क्या है ये, जब देखो मेरे घर वालों को ताने देते रहते हो, आज मेरा भाई आया है तो उसकी बेइज्जती कर रहे हो, शर्म नहीं आती? जा भाई तू जा, अपने घर जा, जा तू घर जा। हाँ हाँ जा 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 जा। ए जीजा जी, मैं चले जाऊंगा। हाँ तो जा, कौन रोक रहा है? मैं चले जाऊंगा। हाँ तो जाना। कोई बात नहीं बिट्टू के पापा, कोई बात नहीं। मेरे भाई, जब तेरे जीजा जी कभी तेरे घर आएंगे तू भी ऐसे ही करना। क्यों, तेरा भाई कोई प्रधानमंत्री है जो मैं इसके घर जाऊंगा? घर जाऊंगा वो भी इसके। बहुत बेइज्जती कर दी जीजा जी ने, मुझे अभी जाना है, मुझे जल्दी जाना है, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? मामा, आप बोल रहे थे ये रॉकेट इतना खतरनाक है, इसको यहाँ जलाएंगे तो ये सीधे आपके घर पहुँचेगा, तो मैं इसको जला देता हूँ, आप इस पर लटक कर घर चले जाओ। हाँ ये तू सही बोल रहा है, ले जला इसको। हाँ हाँ जलाता हूँ।
हूँ।